मुखराज जी, जो 58 आरोप उनको पेश किया गया है इसी के माध्यम से पेश की है, आपने अपनी तरफ से क्या दलील पेश की है और क्या आदेश है? देखो, एक न्याय प्रक्रिया होती है, उसमें पुलिस गिरफ्तार करती है और उनको पेश करती है न्यायालय 24 घंटे बाद। ये सभी लोग जो डिटेन किए हुए थे, ये 13 तारीख को अरेस्ट किए और आज 15 तारीख है, लगभग 48 घंटे बाद पेश किए हैं और सभी के जो मेडिकल संबंधी बातें हैं सभी के हाथ पैर तोड़ रखे हैं लगभग, और सर फोड़ रखे हैं, और एक प्री प्लान तरीके से पुलिस का जो रवैया है, मैं नहीं समझता कि कोई इंसान जो पुलिस में भर्ती होता है वो इंसान होता है और वो इस तरह की हरकत कर सकता है। जिस तरह से इनको मारा है, मैं एक एज ए एडवोकेट, मुझे इस चीज़ का बहुत दुख हो रहा है और मैंने हमारे सभी सीनियर अधिवक्ताओं को ये बात कही भी है कि इनका सबका वीडियो फुटेज हम आपकी भी सहयोग चाहिए इस मामले में, और मैडम को कहा हमने कि मेडिकल बोर्ड गठन करके इनका मेडिकल करवाया जाए और जो भी दोषी पुलिस अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और हमने माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका लगाने का प्लान पूरा बना भी लिया है, लेकिन कल और परसों छुट्टी है माननीय न्यायालय की, इसलिए हम उसको सोमवार को पेश करेंगे। और हम आपके माध्यम से पूरी जनता को ये भरोसा देते हैं कि जिन लोगों ने इनके साथ मारपीट की है, प्लान्ड तरीके से किए हुई घटनाक्रम को, जिसके फुटेज हमारे पास है, पुलिस की तरफ से प्लान्ड ये एक घटनाक्रम है और इसमें दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और इनको जरूर न्याय मिलेगा। हमने अभी न्यायालय से भी अपील की है कि इनको अस्पताल में भर्ती कराया जाए, न्यायिक प्रक्रिया पे हमें पूरा भरोसा है। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने किस तरह के आदेश नरेश मीणा के मामले में किए हैं और 58 जो है आरोपी जिनको पेश किया गया है उनपे क्या आदेश दिए हैं? सबको जेसी भेजा गया है, पुलिस की तरफ से भी इनको जेसी भेजने को मिला के 59 लोगों को जेसी भेजा, और ये जितने भी लोग हैं इनके नाम पते लिखना चाह रहे थे हम, तो मुझे डीटी साहब ने आश्वस्त किया कि मैं सबकी लिस्ट दूंगा, क्योंकि हमें पेश करना था, हमारे पास वो भी नहीं है, इसलिए फाइनल डाटा तो हम लिस्ट लेने के बाद बता पाएंगे आपको, लेकिन जितने भी लोगों को आज पेश किया गया है उन सबको जेसी किया गया है और हमारी मेन मांग ये है कि इनको डायरेक्ट हॉस्पिटल भर्ती कराया जाए, जिसकी हमने लिखित शिकायत दी है।